नमस्कार, आज मैं आपको कच्चे आम का रस कैसे बनाते हैं यह बताऊंगी। इसका उपयोग आप खाना सर्व करते समय भी कर सकते हैं। एक कटोरी चीनी लेनी है। चीनी की मात्रा आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकती हैं। इसमें डालने के लिए कटा हुआ मखाना, थोड़ी सी चिरौंजी, थोड़ा सा जायफल पाउडर, चाहे तो इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। 250 ग्राम कच्चा आम लेना है। इसे धोएं और इसका छिलका निकाल दें। अब इसे काट लें और इसकी गुठली अलग कर दें। अब इसे मिक्सी में डालें और पीस। आधी कटोरी चीनी इसमें डाल दें। अब इसे पीस लें। अब इसे एक बर्तन में खाली करें। बची हुई आधी कटोरी चीनी इसमें डाल दें। अब इसमें एक कटोरी पानी डालें। अब इसे गैस पर मीडियम फ्लेम पर रखें और लगातार चीनी घुलने तक हिलाते रहें। अब यह उबलना शुरू हो चुका है। अब इसे एक मिनट तक ऐसे ही उबलने दें। गैस को बंद कर दें। अब यह ठंडा हो चुका है। अब इसे एक बोल में डालें। अब इन सभी को इसमें डाल दें और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसे फ्रिज में से निकालें। कच्चे आम का रस बनकर तैयार है। अब आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। इसे आप गर्मियों में किटी पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं। यह ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें मखाना ज़रूर डालें, क्योंकि जब मखाना इसमें गल जाता है तो वह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।